तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को। नेक्स्ट प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी पर। उसके बाद बात की जाए अगले प्रश्न पर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग में। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो राइट आंसर है चंबल एवं साबरमती। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो राइट आंसर है इसका कच्छ कारण में। नेक्स्ट प्रश्न, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती है? सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। 3 नदियां निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को। नेक्स्ट प्रश्न, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। उसके बाद है, उदयपुर के जवारा जावर खाने किस खनिज के उत्थान के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर पठार। उसके बाद है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? भागीरथी नदी से। किस हवा में चक्रवर्तीय गति का भाव पाया जाता है? टारनेडो। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? पतझड़ वन। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है सदाबहार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल से। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर किस नदी को वरद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी नदी को। उसके बाद है,
कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, वेन गंगा और पेन गंगा किस की सहायक नदी है? गोदावरी की। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? गंगा नदी पर। यह कहां पर बना है आपको बताना है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न दोस्तों वो है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर जरूर करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी रिप्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कौन सी नदी पर भारत में पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20% जल का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो यह है 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे दोमट कहा जाता है। ये थे आपके प्रश्न। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।